नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह। रोहतास जिले के दुर्गावती जलाशय गुप्ता धाम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव सुनिश्चित किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक रोहतास के नेतृत्व में रोहतास पुलिस एसटीएफ बीएमपी के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा एरिया डोमिनेशन तथा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चेनारी थाना का निरीक्षण किया गया तथा चौकीदारी परेड किया गया, जिसमें थाना संचिकाओं का बेहतर संधारण, लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, अपराधियों की गिरफ्तारी, पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने, पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने, विधि व्यवस्था संसंधारण यातायात संसाधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। रोहतास जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा वोटरों ने अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए जन समर्थन में जोर शोर से लगे हुए हैं। वही जिला परिषद 30 दक्षिणी के उम्मीदवार संतोष कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गांव-गांव लोगों को संपर्क तेज कर दिया है। वही संतोष कुमार ने कहा कि अब की बार बदलाव की बियार बह गई है, मुझे इस बार जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जनता के द्वारा इस बार समर्थन मिला तो मेरी पहली प्राथमिकता नौजवानों एवं किसानों का विशेष ख्याल रखूंगा एवं गरीब दलित मजदूरों का विशेष ध्यान रखूंगा। रोहतास पुलिस के द्वारा शराबबंदी के विरुद्ध विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 7,500 अवैध महुआ शराब बनाने वाले पास को बरामद कर विनिष्ट किया गया तथा 14 भट्टी को भी पुलिस ने ध्वस्त किया। जिले में पुलिस कप्तान आशीष भारती के आदेशानुसार जिले में शराब निर्माण, सेवन, बिक्री, भंडारण, परिवहन, शराब तस्करों, शराब माफियाओं के खिलाफ में रोहतास पुलिस के सभी थानों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दरिगांव थाना अंतर्गत महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर दरिगांव थाना को सत्यापन करने के उक्त स्थान पर भेजा गया, जहां से 200 लीटर महुआ पास बरामद कर विनिष्ट पुलिस के द्वारा किया गया। वही बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर महुआरी टोला में भारी मात्रा में शराब बनाने वाली 2000 लीटर महुआ शराब बनाने वाली पास को बिक्रमगंज पुलिस ने विनिष्ट किया है। इसी क्रम में काराकाट थाना क्षेत्र के कंचनपुर अमरता में भारी मात्रा में महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा था, जहां से काराकाट थाने के पुलिस ने 2000 महुआ शराब का पास पुलिस के द्वारा भ्रष्ट किया गया। रोहतास थाना क्षेत्र में भी भारी मात्रा में रसूलपुर सोन टीला पर भी पुलिस के द्वारा 500 महुआ शराब को रोहतास पुलिस के थाने ने भ्रष्ट किया है तथा शराब बनाने वाली एक भट्टी को भी ध्वस्त किया है। इसी कड़ी में रोहतास पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को शराब माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए निर्देशित किया है।